इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस रिसर्च कर सकते हैं। जो लास्ट वाला लेसन था उसमें हमने बिहेवियर और डेमोग्राफिक्स बेस्ड इंटरेस्ट देखे थे जो कि फेसबुक हमें प्रोवाइड करता है और जो हम यूज कर सकते हैं अपनी एड्स को बेटर बनाने के लिए। इस वीडियो में हम देखेंगे, इस लेसन में हम देखेंगे कि कैसे आप इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंसेस बना सकते हो और उन्हें अपनी एड्स में यूज कर सकते हो और अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये करने के लिए हम एक स्प्रेडशीट का यूज करेंगे, विच इज दिस, है ना। ये स्प्रेडशीट मैं नीचे लिंक दे दूंगा जहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है जी, सो देखो, इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस जब हमें ढूंढनी है तो यहाँ पे जो स्प्रेडशीट है इसमें आप देखोगे सबसे ऊपर लिखा हुआ है नीश, है ना, मतलब कौन सी कैटेगरी में आपका बिजनेस, क्या नीश है आपके बिजनेस की। तो सपोज हम कल एग्जांपल हमने लिया था कि हमारा ये नीश है बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, हमारा नीश क्या है, बॉडी बिल्डिंग। अब हमें बॉडी बिल्डिंग के लिए इंटरेस्ट ढूंढने हैं। ठीक, तो हम कैसे कैसे इंटरेस्ट ढूंढ सकते हैं, आप ये देखो, जैसे आप इस शीट में देख सकते हो एक कैटेगरी मैंने लिखा हुआ है फेसबुक पेजेस का। तो बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड जितने भी फेसबुक पेजेस हैं आप वो ढूंढ सकते हो, राइट। बाकी फेसबुक इंटरेस्ट्स, कई सारे इंटरेस्ट होते हैं जिसका कोई स्पेसिफिक पेज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज करो इंटरेस्ट है मसल ब्लेज, राइट। अब मसल ब्लेज का फेसबुक पेज होगा तो ये आ गया फर्स्ट कैटेगरी में। अब जैसे इंटरेस्ट है बॉडी बिल्डिंग, अब बॉडी बिल्डिंग स्पेसिफिक इंटरेस्ट का कोई पेज नहीं है, बट बॉडी बिल्डिंग में बड़े सारे लोग होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे। ठीक, देन हमारा आता है बिहेवियर, जो आपने कल देखा था, आपने कल देखा था ना कि किसको बिहेवियर में के बेसिस पे हम ऐड दिखा सकते हैं, सो दैट इज बिहेवियर। फिर मैगजीन्स, तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड पेजेस, देन हम ढूंढेंगे बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड इंटरेस्ट, देन बिहेवियर हमने कल देखे थे, देन हमें देखने हैं बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड कौन कौन सी मैगजीन्स हैं, देन हमें देखने हैं इन्फ्लुएंसर्स कि बॉडी बिल्डिंग के कौन कौन से इन्फ्लुएंसर्स हैं, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जिनके जो बॉडी बिल्डिंग में जिन्हें लोग फॉलो करते हैं, जिनकी लोग बात सुनते हैं। देन हमारा आता है ब्रांड्स कि बॉडी बिल्डिंग में ऑलरेडी कौन कौन से और ब्रांड हैं जो बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं और मैं या आप उसे क्या कर सकते हैं, हम टारगेट कर सकते हैं। देन ये तो मेजर चीजें हो गई, बाकी कुछ चीजें जो इसमें मेंशन नहीं है वो हो गए इवेंट्स, राइट। वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपके लिए, वो क्या हो गए इवेंट्स कि बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड कौन कौन से इवेंट्स हैं, है ना, कौन कौन से इवेंट्स हैं, जैसे कि ओलंपिया हो गया या ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जो बॉडी बिल्डिंग में होते हैं, आप वो ढूंढ सकते हो और उन्हें आप एड दिखा सकते हो। ठीक, तो ये चीजें हैं जो हम ढूंढ सकते हैं और इन्हें हम एड दिखा सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये सारा काम करने के लिए हमें करना क्या है, तो हमें एक फ्री टूल यूज करना है जो कि फेसबुक प्रोवाइड करता है और उस टूल का नाम है फेसबुक ऑडियंस इनसाइट्स। ठीक है जी, क्या है उस टूल का नाम, तो उस टूल का नाम है फेसबुक ऑडियंस इनसाइट्स। अब ये टूल आप एक्सेस कैसे करोगे, तो आप जाओगे अपने एड अकाउंट में, ठीक है, देन आप इस बटन को क्लिक करोगे एंड देन यू विल फाइंड फेसबुक ऑडियंस इनसाइट्स समवेयर डाउन हियर। देखो ये रहा ऑडियंस इनसाइट्स, सो क्लिक दिस। अब ये पूछ रहा है किसके बारे में देखना चाहते हो, एवरीवन ऑन फेसबुक या पीपल कनेक्टेड टू योर पेज, तो हमें देखना है एवरीवन ऑन फेसबुक, राइट। देन देखो ये क्या ऑप्शन दे रहा है, कंट्री, आप किस कंट्री के लिए देखना चाहते हो, तो आप जिस कंट्री के लिए भी देखना चाहते हो आप यहाँ पे वो कंट्री सेलेक्ट कर लोगे। हमारे केस में क्या है, इंडिया, है ना, तो हम यहाँ पे ले लेंगे इंडिया। अगर आप यूएस में बेचना चाहते हो तो यू विल सेलेक्ट यूएस हियर। ठीक, अब देखो जैसे ही मैंने इंडिया सेलेक्ट किया फेसबुक मुझे कुछ डेटा दिखा रहा है, क्या डेटा दिखा रहा है, डेमोग्राफिक्स में दिखा रहा है कि 250 से 300 मिलियन लोग हैं इंडिया में जो फेसबुक के एक्टिव यूजर है। ठीक है, 250 से 300 मिलियन। अब देखो एक बात यहां पे सुनो, आप सिंपल इंटरनेट पे अगर रिसर्च करोगे ना तो आपको डेटा मिल जाएगा कि नेक्स्ट 2 to 3 years में ये नंबर डबल होने वाला है।
कौन सा नंबर डबल होने वाला है? फेसबुक के यूजर्स का नंबर डबल होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि नेक्स्ट 2 to 3 years में इंडिया में जो इंटरनेट यूजर्स हैं उनका नंबर डबल होने वाला है, उनका नंबर डबल होने वाला है। कैन यू इमेजिन? अभी हमारी पॉपुलेशन है 1.2 billion, जिसमें से 250 से 300 million एक्टिव यूजर है फेसबुक पे। जब हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन के पास इंटरनेट एक्सेस होगा तो ये नंबर्स और एक्सपोनेंशियल स्पीड से बढ़ेंगे, और जैसे जैसे ये नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके पास अपॉर्चुनिटी है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए थ्रू फेसबुक एड्स, या मैं कह सकता हूं थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। फेसबुक एड इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द एंटायर डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है जी। सो आगे आने वाला जो टाइम है आपके लिए वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा है। सो इस कोर्स को प्लीज पे अटेंशन और ध्यान से आप पढ़िए। और प्लस आप यहाँ पे एक और चीज देखो ध्यान से, जो फेसबुक पे इंडिया के एक्टिव यूजर्स हैं उसमें से खाली 22% आर वेमेन। 250 से 300 million जो लोग हैं उसमें से जस्ट 22% आर विमेन एंड 78% आर मेन। डिस्पैरिटी देख रहे हो आप, 22% विमेन है, 78% मेन है। अब बताओ धीरे धीरे ये नंबर क्या होगा? इंप्रूव होगा, है ना। और जैसे जैसे ये नंबर इंप्रूव होगा वैसे वैसे आपके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, ठीक है। प्लस आप आगे देखो, मेजोरिटी लोग क्या है, किस एज रेंज में आते हैं? 18 से 24 से लेके 25 से 34 की रेंज में मेजॉरिटी लोग हैं। 18 से 24 में है विमेन है 34% और मेन है 41%। सिमिलरली 18 से 24 में विमेन है 34% और 25 से 34 में विमेन है 41%। और जहां तक बात रही मेन की, 18 से 24 में मेन है 36% और विमेन है 41%, ठीक है। सो आप देख सकते हो मेजर एज ग्रुप है 18 से लेके 34 तक, राइट। सो मेजर एज ग्रुप इज बिटवीन 18 years to 34 years, ओके जी। अब देखो हम किस चीज से मतलब है हमें, बॉडी बिल्डिंग। हमारा सीड कीवर्ड क्या है? जैसे एक सीड कीवर्ड होता है, मतलब सीड कीवर्ड इज आप जहां से स्टार्ट कर सकते हो। सो हमारी नीश क्या है? बॉडी बिल्डिंग। सो इंटरेस्ट में मैं सिंपल क्या डाल दूंगा, मैं डाल दूंगा बॉडी बिल्डिंग, दैट्स इट, ठीक है। मैं सिंपल मैं गया, लेट मी डू दिस अगेन, आया नहीं था फॉर सम रीजन। आ गया बॉडी बिल्डिंग, अब ले लो बॉडी बिल्डिंग। अब देखो क्या दिखा रहा है, इंडिया के अंदर बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट रखने वाले कितने लोग हैं? 10 million to 15 million, ठीक है। इंडिया के अंदर बॉडी बिल्डिंग में 10 million to 15 million लोगों का इंटरेस्ट है। प्लस 13% क्या है, ये जो 10 से 15 मिलियन विमेन है इसमें बस 13% विमेन है, जबकि ओवरऑल फेसबुक पे कितने विमेन है अभी हमने देखा था डेटा कुछ देर पहले, 22%। आपको यहां भी दिखा रहा है 22% ऑल फेसबुक। सो इंडिया जो बॉडी बिल्डिंग की नीच है उसमें 13% विमेन है एंड 18% मेन है। अब इससे आपको क्या पता चला कि जो आपकी टारगेट रेंज है या जो तो आपकी टारगेट जेंडर है वो क्या है? मेन, ठीक, वो क्या है? मेन। तो अब एक काम करो, यहां पे मैं लाइंस इंसर्ट करता हूं कुछ और इसका कलर हटाते हैं और यहां पे लिखो एज ठीक है, एज पे आगे क्या लिखोगे? मेजर एज रेंज। मेजर एज रेंज क्या है यहां पे देखो, मेजर एज क्या है? 18 to 24 प्लस 25 to 34, यही दो मेजर एज रेंज है ना। तो मेजर एज रेंज मैं लिख दूंगा 18 to 24 एंड 25 to 34, ये हो गया मेजर एज रेंज, राइट। और जेंडर कौन सा है मेन? मेन, ठीक है। जेंडर कौन सा है मेन? मेन है, क्योंकि मेन क्या है 87% जिन्हें बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट है, ठीक। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ये कीवर्ड यहां से उठाऊंगा
अब मैं लिख दूंगा फेसबुक इंटरेस्ट बॉडी बिल्डिंग, ठीक है, फेसबुक इंटरेस्ट बॉडी बिल्डिंग प्लस मैं एक काम करूंगा इंसर्ट यहां पे करूंगा और मैं इसमें लिख दूंगा साइज, ठीक, ऑडियंस साइज। तो ऑडियंस साइज क्या है, 10 से 15 मिलियन, 10 से 15 मिलियन, ठीक। अब आप नीचे देख सकते हो रिलेशनशिप स्टेटस कि जिनका बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट है उनकी रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, वो सिंगल हैं, मैरिड हैं, जो भी हैं। एजुकेशन लेवल भी देख सकते हो, अगेन ज्यादा यूज का नहीं है ये। प्लस आप देख सकते हो इनकी जॉब टाइटल क्या है, क्या है, गवर्नमेंट इंप्लॉयज हैं क्या है, राइट। तो आप वो यहां से देख सकते हो। हम आते हैं कहां, पेज लाइक्स, ठीक है, पेज लाइक्स। अब देखो जैसे ही मैं पेज लाइक्स में आया फेसबुक मुझे बड़े सारे पेजेस सजेस्ट कर रहा है जिनमें इन लोगों के इंटरेस्ट है। पहले मुझे क्या सजेस्ट कर रहा है, कैटेगरीज, कि ये जो बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट है लोगों का इनको और कैसे कैसे पेजेस पसंद है उनकी, पहले मुझे दिखा रहा है कैटेगरीज। देन मैं जब नीचे आया तो देखो मुझे कुछ अच्छी चीजें दिख रही हैं, ये दिखा रहा है पेज लाइक्स। ये फेसबुक मुझे कह रहा है कि जो मैंने ऑडियंस डाली है बॉडी बिल्डिंग, इनके लिए रेलेवेंट पेजेस कौन कौन से हैं, मतलब इन लोगों को और किस किस चीज में इंटरेस्ट हो सकता है। तो वो यहां पे मुझे बता रहा है, देखो बीएडओ, ये रेलेवेंस बता रहा है कि ये कितना रेलेवेंट है। प्लस लास्ट में मुझे बता रहा है एफिनिटी, कि इन लोगों मतलब जिसकी जितनी ज्यादा एफिनिटी होती है उतना ज्यादा ये इंटरेस्ट लाइकली है कि, ध्यान से समझो इसको दोबारा, कंफ्यूज मत होना। सपोज करो बॉडी बिल्डिंग में 10 लाख लोग हैं, राइट, और बीएडओ फॉर मेन है जिसमें 1 मिलियन लोग हैं। बीएडओ की एफिनिटी क्या है, सबसे ज्यादा, मतलब जो जो लोग बॉडी बिल्डिंग पसंद करते हैं हाईली लाइकली है कि उन्हें क्या पसंद होगा, बीएडओ। और जितनी ज्यादा एफिनिटी होगी उतने ज्यादा ये चांसेस हैं कि इन लोगों को बीएडओ पसंद होगा। अब नीचे देखो आ रहा है बिग बॉय टॉयज, मतलब जितने लोगों को बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट है उनको बिग बॉय टॉयज में भी इंटरेस्ट होगा, बट इसकी अफिनिटी क्या है, ऊपर वाले से थोड़ी सी कम, मतलब इसकी लाइकलीहुड थोड़ी सी कम है, ठीक है। तो ये होता है आपका एफिनिटी। अब यहां पे देखो मेरे पास बड़े सारे पेजेस हैं। सबसे पहले क्या है, बीएडओ फॉर मेन, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं बीएडओ फॉर मेन को क्लिक करूंगा। यहां से देखो यहां पे मैं क्या, बीएडओ फॉर मेन ओपन लिंक इन न्यू टैब। अब मैंने यहां पे ओपन किया बीएडओ फॉर मेन। अब बीएडओ फॉर मैन देख लो किस चीज से रिलेटेड है, बियर्ड वगैरह से रिलेटेड है ना। तो अगेन जाहिर सी बात है जिसका बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट होगा उसका इसमें इंटरेस्ट हो सकता है, मेक्स लॉट ऑफ सेंस। तो आप सिंपल एक काम क्या करोगे, यहां से उठाओ बीएडओ फॉर मैन, राइट। अब एक बार उसे यहां पे टाइप करो, देखो कि अवेलेबल है कि नहीं है। बीएडओ देखो अवेलेबल नहीं है, बीएडओ यहाँ पे नहीं है ना, मतलब इसको मैं टारगेट नहीं कर सकता, ये एज अ इंटरेस्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अब ये एज अ इंटरेस्ट अवेलेबल नहीं है तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। कल के लेसन में आपको दो हैक सिखाऊंगा जो कि आप यूज कर सकते हो ऐसे इंटरेस्ट के लिए जो डायरेक्टली टारगेटेबल नहीं है फेसबुक, ठीक। तो एक बार दोबारा टाइप करके देख लेते हैं, बीएडओ नहीं आ रहा, ठीक है। प्लस एक काम क्या करो, आप यहां जाओ, आप अपना खोल लो फेसबुक ऐड, ठीक है, आप यहां से फेसबुक ऐड अकाउंट खोल लो, ये खोल लेते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्रिएट करते हैं नया ऐड, राइट। ये एड वेड क्रिएट नहीं कर रहे, हम जस्ट चेक कर रहे हैं कि क्या चल रहा है, और बीएडओ था तो टारगेटिंग में आओ और यहां पेस्ट करो, देखो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, BEARDO नहीं, तो इसको हम टारगेट नहीं कर सकते, ठीक। तो इसको हम यहां पे नहीं लिखेंगे। अगली चीज देखो बिग बॉय टॉयज। अब बिग बॉय टॉयज क्या है, ये देखो देखो गाड़ियों से रिलेटेड है ना, तो ये भी मेक सेंस करता है कि जो लोग बॉडी बिल्डिंग वगैरह में इंटरेस्ट रखते होंगे ये इन सारी चीजों पे
में भी इंटरेस्ट होगा उनका, राइट। बट ये डायरेक्टली बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड नहीं है। बियर्डो फिर भी थोड़ा ज्यादा पास लग रहा था आसपास, ये नहीं है उतना, राइट। तो इसको हम इग्नोर करेंगे, ये थोड़ी जेनेरिक चीज है। जो बाकी लोग भी होंगे ना जिनका नॉर्मल इंटरेस्ट होगा, जिनका बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट नहीं होगा, वो भी इसमें इंटरेस्ट रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम छोड़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। प्यूमा, अगेन देखो प्यूमा, ये भी बहुत ब्रॉड है ना। प्यूमा में बहुत लोगों का इंटरेस्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो बॉडी बिल्डिंग से ही रिलेटेड हो। लैम्बोर्गिनी अगेन, दिल्ली कॉलेज ऑफ फोटोग्राफी अगेन सेम चीज। अब ये देख लो आप, मोहित मारवा जी कौन है। हाँ ये मोहित मारवा ऑफिस, ये कोई मॉडल वॉडल होगा। अगेन ये भी देखो, ये भी काफी ब्रॉड सी चीज है, जरूरी नहीं है कि जिनका बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट है उन्हीं का मोहित मारवा में इंटरेस्ट हो। आप ऐसे नीचे और देखो, सोनू सूद अगेन, सोनू सूद इज एन एक्टर। ये बात अलग है कि सोनू सूद भी काफी फिजिक पे फोकस करता है, बट ही इज नॉट अ बॉडी बिल्डर, राइट। तो सोनू सूद में भी बाकी काफी लोगों का इंटरेस्ट हो सकता है। सेम गोज विद अदर इंटरेस्ट, मैन एक्सपी, गाड़ी वाड़ी, टाइम्स, कार, टॉक डॉट कॉम। तो ये काफी ब्रॉड है, राइट। मतलब यहां से मुझे कोई भी अच्छी चीज नहीं मिली, यहां से मुझे कोई भी अच्छा इंटरेस्ट नहीं मिला जिसे मैं यूज कर सकता हूं, ठीक है। कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी मैं क्या करूंगा, मुझे फेसबुक पेजेस अभी कोई मिले नहीं, मुझे जस्ट अभी क्या मिला है, फेसबुक इंटरेस्ट विच इज बॉडी बिल्डिंग, राइट। तो मैं अब देखो क्या करता हूं, मैं सिंपल जाऊंगा आगे। देखो मेरे पास क्या ऑप्शन था, बिहेवियर तो हमने कल देखे थे, वहां से आप उठा लोगे। अगली चीज देखो जो मेरे पास बहुत अच्छी है, वो है मैगजीन्स, राइट। अगली चीज क्या है मेरे पास, मैगजीन्स। तो मैं सिंपल गूगल पे जाऊंगा और मैं टाइप करूंगा बॉडी बिल्डिंग मैगजीन्स, ठीक है, जो भी मेरी नीश है विच इज बॉडी बिल्डिंग, और आगे मैंने लगा दिया मैगजीन्स। तो अब देखो मेरे पास ये बड़ी सारी मैगजीन्स आ गई, बहुत ही सारी मैगजीन्स आ गई। तो मैं क्या करूंगा, ये रहा मसल एंड फिटनेस, तो इस मसल एंड फिटनेस को मैं करता हूं कॉपी, ठीक है जी। तो इस मसल एंड फिटनेस को यहां से करते हैं कॉपी, हम वापस आते हैं, बॉडी बिल्डिंग हटाते हैं और यहां डालते हैं मसल एंड फिटनेस। देखो आ गया, मसल एंड फिटनेस ले लो। अब देखो मसल एंड फिटनेस क्या है, बॉडी बिल्डिंग फिटनेस इससे रिलेटेड मैगजीन है। तो इसमें अगेन किसका इंटरेस्ट होगा, जिनका बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट है, राइट। तो सिंपल मैं यहां से मसल एंड फिटनेस मेरे को मिल गया यहां पे, और एज अ ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो मैं यहां से मसल एंड फिटनेस उठाया और मैगजीन में जाके मैंने लिख दिया मसल एंड फिटनेस, प्लस यहां पे मैं एक और लाइन डालता हूं और मैं करता हूं यहां पे साइज। और आप देखो मसल एंड फिटनेस का साइज क्या है, 1.5 to 2 million। तो यहां पे आप लिख दो 1.5 to 2 million, ठीक है जी, मसल एंड फिटनेस। अब वापस आओ, ये देखो क्या आ रहा है, हेल्थ एंड वेलनेस वेबसाइट bodybuildingindia.com, ओपन करो। देखो इधर ओपन हो गया, अब इसको यहां से करो कॉपी, ठीक है, कॉपी करो और यहां इसको करो पेस्ट। देखो क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, मतलब ये भी एज अ इंटरेस्ट अवेलेबल नहीं है। तो एक काम करो, इसको एक बार वापस आओ एड पे और यहां पे टाइप करके देखो, नहीं अवेलेबल, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है, इसे हम करेंगे क्लोज। अब आगे बढ़ो, इंडियन बॉडी बिल्डिंग ओपन करो। अब देखो इंडियन बॉडी बिल्डिंग है, इसको यहां से करो कॉपी और यहां इसको करो पेस्ट। ये देखो इंडियन बॉडी बिल्डिंग अवेलेबल है, ठीक। तो एक काम करो, मसल एंड फिटनेस को हटा दो एक बार और इंडियन बॉडी बिल्डिंग यहां ले लो। इंडियन बॉडी बिल्डिंग का देखो साइज क्या है, 5 lakh to 6 lakh, राइट। तो एक काम करो, ये लो इंडियन बॉडी बिल्डिंग, और ये देखो ये है फेसबुक पेज, ठीक है, इसको यहां पे ले लो, इंसर्ट वन, साइज 5 to 6 lakh, ठीक है जी, इंडियन बॉडी बिल्डिंग हो गया। अब आप कह सकते हो कि भैया मैंने वहां से मसल ब्लेज, पहले बॉडी बिल्डिंग भी था तो मैं वो भी रख सकता था साथ में क्या? हाँ मैं बिल्कुल रख सकता था, मैं मसल इंडियन बॉडी बिल्डिंग और बॉडी बिल्डिंग दोनों एक साथ रख सकता था। मैंने हटा क्यों दिया, क्योंकि कई बार क्या होता है,
अगर मैं हटाता हूं तो मुझे कुछ और नए इंटरेस्ट दिखते हैं, जो मैं दोनों एक साथ रखूंगा तो नहीं दिखते। तो मैं क्या करता हूं, पहले सबको हटा हटा के देखता हूं, देन मैं सारे एक साथ करके देखता हूं, पहले सबको हटा हटा के देखता हूं, देन सबको एक साथ करके देखता हूं, ताकि मैं कोई भी इंटरेस्ट मिस ना कर दूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब वापस देखो, अब आगे इंडियन बॉडी बिल्डिंग, अब देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, वीवा फिटनेस, इसे ओपन करो। अब ये वीवा फिटनेस क्या है, देखो कोई जिम विम लग रहा है, जो भी है बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, तो इसको कॉपी करो वीवा फिटनेस, और देखो यहाँ पेस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, अवेलेबल नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। इंडियन बॉडी बिल्डिंग हमने ले लिया, bodybuilding.com अवेलेबल था नहीं, जिम फ्रीक्स, तो इसको ओपन करो जिम फ्रीक्स को, और इसको लो जिम फ्रीक्स, और इसको यहाँ पे पेस्ट करो, क्या अवेलेबल है, नहीं ये भी अवेलेबल नहीं है, तो इसको भी छोड़ो। अब अगला देखो क्या है, फिटनेस एनी हाउ ऑल अबाउट फिटनेस, ठीक है, सो फिटनेस एनी हाउ को कॉपी करते हैं और इसे पेस्ट करते हैं, ये भी अवेलेबल नहीं है, एक बार दोबारा ट्राई कर लेते हैं, फिटनेस एनी हाउ नहीं अवेलेबल, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर अब आ रहा है तारा न्यूट्री केयर, इसे ओपन करो, ये कोई सप्लीमेंट की कंपनी है, वापस आओ देखो, ये भी अवेलेबल नहीं है, तो इसको भी छोड़ देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, राइट, और वापस आ जाओ। द फिटनेस रिवॉल्यूशन, द फिटनेस रिवॉल्यूशन, ये रहा, ठीक है, ये भी अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको भी हटा देंगे। ठीक है जी, अब देखो जराय क्लासिक, इसे ओपन करो, ये क्या है, सो जराय क्लासिक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन है, तो जराय क्लासिक कॉपी किया, यहाँ पेस्ट करो, देखो अवेलेबल है क्या, नहीं अवेलेबल, तो इसमें से काफी सारे अवेलेबल नहीं होंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको करते रहना है, ठीक है, हमें ये करते रहना है ताकि हम सारे इंटरेस्ट ढूंढ सके। ठीक, एक इस ये देख लो, मसल प्रो न्यूट्रिशन, इसको देखते हैं, मसल प्रो न्यूट्रिशन यहां से कॉपी किया और यहां पेस्ट करो, वो ये भी अवेलेबल नहीं है, राइट, सो आप नीचे आओ, मुकेश सिंह गहलोत, इनको ओपन करो, हाँ ये देखो ये भी कोई बॉडी बिल्डर टाइप है, सो गहलोत साहब को यहां भी कॉपी करते हैं, मुकेश सिंह गहलोत नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, कोई नहीं, वापस आओ, यतिंदर सिंह, इन्हें कॉपी करो, मतलब देखो कॉपी बाद में करेंगे, और ये भी बॉडी बिल्डर है यतिंदर सिंह जी, तो यहां पेस्ट करो, नहीं अवेलेबल, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं। मसल प्रो, ये जॉन लूकस, ये देखते हैं क्या है, सो जॉन लूकस भी बॉडी बिल्डर है, तो इन्हें करते हैं यहां से कॉपी, और यहां करते हैं पेस्ट, नहीं है, जॉन लूकस भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं। तो यहां से हमें जो भी मिले वो ज्यादातर अवेलेबल नहीं थे, ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। अभी ये तो पहली मैगजीन थी हमारी, ये कौन सी मैगजीन थी, ये थी मसल एंड फिटनेस, राइट, वापस आओ, अगली मैगजीन क्या है, फ्लेक्स, तो फ्लेक्स को क्लिक करो और कॉपी करो, और इनको बंद कर लेते हैं। अब इंडियन बॉडी बिल्डिंग हटा देते हैं, ये हम देख चुके हैं, अब हम करते हैं फ्लेक्स, ये रहा फ्लेक्स मैगजीन, राइट, ये लो फ्लेक्स मैगजीन, ओके अवेलेबल है फ्लेक्स मैगजीन, इसको किया कॉपी, और इसको डाल दिया हमने मैगजीन्स में, और आ गया साइज 150 से 2 लाख, 1.5 से 2 लाख, तो यहाँ साइज डाल दिया, वापस आए,
अब देखो क्या है, जराई क्लासिक देख चुके हैं, बॉडी बिल्डिंग देख चुके हैं, इंडियन बॉडी बिल्डिंग कर चुके हैं, जिम फ्लो 100 नहीं किया था तो जिम फ्लो 100 कर लेते हैं। जिम फ्लो 100 इसे करते हैं कॉपी, कॉपी किया और यहां किया पेस्ट, अवेलेबल है। तो थोड़ी देर के लिए हम फ्लेक्स मैगजीन हटाएंगे और जिम फ्लो ले लेंगे, और जिम फ्लो में अगेन है 1.5 से 2 लाख लोग, और जिम फ्लो कोई मैगजीन नहीं लग रही है ना। सो इसको यहाँ पेस्ट करेंगे और जिम फ्लो 100 यहाँ किया कॉपी और इसे किया यहाँ पे पेस्ट। अब हम वापस आएंगे, जो मेरा पहले इंटरेस्ट था फ्लेक्स मैगजीन, मैंने कहा हम एक साथ ले सकते हैं, सबको ले सकते हैं, बट मैं एक साथ एक बार में लेता हूँ, पहले मैं अलग अलग करता हूँ, राइट, ताकि मैं सारे इंटरेस्ट अनकवर कर लूँ। अब यहाँ देखो ऑप्शन दिख रहा है मसल ब्लेज, राइट। अब मसल ब्लेज ओपन करो, मसल ब्लेज क्या है, तो अगेन आपने बड़ी सारी एड्स देखी होंगी, मसल ब्लेज सप्लीमेंट्स वगैरह बेचती है। अब वापस आओ, देखो यहाँ पे आया मसल ब्लेज, ये रहा मसल ब्लेज, तो यहाँ से फ्लेक्स मैगजीन हटाया और मेरे पास मसल ब्लेज आ रहा है। तो ये मसल ब्लेज को कॉपी करो, मसल ब्लेज क्या है, ब्रांड है ना, तो ये आ जाएगा ब्रांड मसल ब्लेज, और यहाँ पे हम लिखेंगे इसका साइज, तो इसको करो इंसर्ट वन लेफ्ट, और ये साइज वाला कॉपी करो, और मसल ब्लेज का साइज क्या है, मसल ब्लेज का साइज है 1 से 1.5 मिलियन, तो इसको करेंगे यहाँ पे कॉपी, राइट। अब वापस हम मसल ब्लेज को हटा देंगे और वापस अपना इंटरेस्ट डालेंगे फ्लेक्स वाला। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हेल्थ कार्ड, हेल्थ कार्ड अगेन आप लोगों को पता ही है, ये हेल्थ सप्लीमेंट्स हेल्थ प्रोडक्ट्स बेचती है हेल्थ कार्ड, तो वापस आए और यहाँ पे डालो हेल्थ कार्ड, आ गया healthcard.com। तो फ्लेक्स मैगजीन हटाओ, healthcard.com का इंटरेस्ट बहुत छोटा है तो आ ही नहीं रहा, तो हेल्थ कार्ड डाल देते हैं, हेल्थ कार्ड प्लस, ये भी बहुत छोटा है तो ये भी नहीं आ रहा है ना। तो एक बार दोबारा एक काम करते हैं, हेल्थ कार्ड फिर से डाल के देखते हैं, हेल्थ कार्ड, हेल्थ कार्ड नहीं आ रहा, ठीक है कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैगजीन थी उसको डाल देंगे, ठीक है जी। अब देखो फ्लेक्स मैगजीन ऑफिशियल, देखो मसल डेवलपमेंट मैगजीन, तो इसे करो ओपन, इसे करो कॉपी और इसे यहाँ करो पेस्ट, देखो अवेलेबल है तो इसे सेलेक्ट कर लो और फ्लेक्स मैगजीन हटा दो और इसे यहाँ से अगेन कॉपी करो और ये मैगजीन है तो यहाँ डाल दो और इसका साइज देख लो 150 से 150, तो इसे यहाँ पे डाल दो, राइट। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, आपको जितने इंटरेस्ट हैं यहाँ से एक एक उठा के आपको यहाँ पे डालना है, और इनसे रिलेटेड जो भी पेजेस मिले आपको देखना है कि क्या वो पेज अवेलेबल है एज अ इंटरेस्ट या नहीं है, देन आपको चेक करना है और देन आपको ये वाली शीट कंप्लीट फिल करनी है, राइट। इस शीट को हम यूज कब करेंगे, तो इस शीट को हम यूज करेंगे जब हम अपनी फेसबुक एड बनाएंगे, तो उसमें हम इन सबको एज अ इंटरेस्ट यूज करेंगे, राइट। वहां हम इन सबको कैसे यूज करेंगे, एज अ इंटरेस्ट। तो आप यहाँ पे और डाल सकते हो ऑप्शन, जैसे हमने ये डाला, आप ऐसे अब चेक करो, से हमने चेक किया मसल मैग इंटरनेशनल, सो हमने कॉपी किया मसल मैग इंटरनेशनल और कॉपी, और यहाँ किया हमने पेस्ट, आ गया ये ले लिया हमने, ये हमने हटा दिया, वो बहुत छोटा साइज है ना, तो इसको छोड़ते हैं। ऐसे ही देखो अब इन्फ्लुएंसर्स है ना, तो यहाँ पे वापस आओ और टाइप करो top 10 बॉडी बिल्डिंग इन्फ्लुएंसर्स। अब देखो यहाँ पे आ गया बॉडी बिल्डिंग इन्फ्लुएंसर्स, इन्हें यहां से ओपन करो और एक एक को सर्च करो, ठीक, एक एक इन्फ्लुएंसर को क्या करोगे सर्च, देखो इसको ओपन करो,
और यहाँ पे करो पेस्ट, आ गया, ले लो। मसल मैग हटा दो, देखो 1 से 1.5 लाख है, तो इसको किया यहां से कॉपी, अब इन्फ्लुएंसर्स में डाला और यहां पे इंसर्ट किया और ये किया साइज, और देखो साइज क्या था, 1 से 1.5 लाख, ठीक। सो 100, 200 and 50K, ठीक। तो ऐसे ही आपको बाकी इन्फ्लुएंसर्स ढूंढने हैं सिमिलर ऐसे ही तरीके से, ऐसे ही आपको ब्रांड्स ढूंढने हैं, और आपको ये वाली शीट क्या करनी है, कंप्लीटली फिल। तो जैसे मैंने ये किए हैं अभी, आपको जैसे मैंने ये 5-6 करके दिखाए हैं, सिमिलरली आप इसे क्या करोगे, इस शीट को करोगे फिल। और जब ये शीट फिल हो जाए, इसमें आपको बहुत समय लगेगा, शायद 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 5 दिन लग जाए, कोई टेंशन नहीं है, जितना टाइम लग रहा है आप इस पे वो टाइम लगाओ और इस शीट को आप कंप्लीट फिल करोगे। और जब हम ऐड बनाएंगे तो हम इंटरेस्ट क्या करेंगे, यहीं से उठाएंगे, ठीक है जी। परफेक्ट है, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो आज आप अपने ब्रांड के लिए ये काम करोगे, जैसे हमने ये इंटरेस्ट ढूंढे हैं, आप वैसे ही अपने सारे इंटरेस्ट ढूंढोगे, ठीक है। प्लस आप अपनी शीट पूरी तैयार करो, आज ये आपका टास्क है। कल के लेसन में मैं आपको 2-3 हैक समझाऊंगा जो कि आप यूज कर सकते हो, और इंटरेस्ट ढूंढने के लिए, और बढ़िया से इंटरेस्ट ढूंढने के लिए, और ऐसे इंटरेस्ट ढूंढने के लिए जो शायद और किसी को नहीं मिल पा रहे, ठीक है जी। और ये जो शीट है ये मैं नीचे इसी वीडियो के नीचे लगा दूंगा, सो आप वहां से ये टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।